क्या नाम है मैम आपका? शची प्रिया। कब कॉल आया था आपको? परसों शाम। परसों शाम कॉल आया तो कैसा लगा? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैंने ऐसा सोचा भी था कि चूंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था तो मुझे कॉल का इंतजार था। कॉल का इंतजार था, उम्मीद थी कि इस बार टॉप करूँगी। बिल्कुल। अच्छा, कोरोना का टाइम था, काफ़ी मुसीबत होगी पढ़ने में क्योंकि कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन का दौर चल रहा था, तो कैसा रहा ये सफ़र? देखिए, मुश्किल तो हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं ऑफकोर्स अपनी टीचर्स को थैंक्स बोलूँगी। उन्होंने हमेशा ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर कंडक्ट किया, हमारा जो भी डाउट था वो सॉल्व करते थे, और जहाँ तक हो सका हमें ऑफलाइन वाली फीलिंग मोबाइल पर देते रहे। ऑफलाइन वाली फीलिंग्स देते रहे जी। जब वेरिफिकेशन के लिए आप अंदर गई तो क्या क्या पूछा गया आपसे? मुझसे सारे सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ सवाल पूछे गए थे, और कुछ ओरल, कुछ रिटर्न, मैंने सभी का आंसर दिया। सभी का आपने आंसर दे दिया जी। बिहार के टॉपर बनने वाली हैं आप, कॉल आया था वेरिफिकेशन के लिए, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा था, अच्छा लग रहा था। क्या लगता है, क्या शंका है, कितने परसेंटेज आने वाले हैं? पता नहीं, पर 90 अब भी होगा, 90 अब आएगा। कहीं ना कहीं टॉपर के लिस्ट में आप शामिल होने के लिए जा रही हैं, तभी आपको कॉल आया। यस। तो आगे का क्या इरादा है? पढ़ेंगे, पढ़ाई जारी रखेंगे। पढ़ाई जारी रखेंगे। देखिए, दसवीं तो आपकी कंप्लीट हो गई, अब आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है आपको? मैथ्स लेना है। मैथ्स लेना, आगे इंजीनियरिंग करनी है? नहीं, पुलिस ऑफिसर, उस क्षेत्र में जाना है हमको। अच्छा, पुलिस केस में जाना, मतलब कहीं ना कहीं नाम रोशन करना है देश का। यस सर। बहुत ज़्यादा खुशी है कि जितना मेहनत किए थे उसका परिणाम मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान कुमार, नवादा जिला। नवादा से। कब कॉल आया आपको वेरिफिकेशन को लेकर? 24 तारीख को शाम को। टॉपर्स के वेरिफिकेशन को लेकर आपका कॉल आया, कितनी खुशी थी? बहुत ज़्यादा खुशी थी। बहुत खुशी थी। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस बार क्योंकि कोरोना का माहौल चल रहा था, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, कभी ऑनलाइन क्लासेस कभी ऑफलाइन क्लासेस? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और हम लोग सर भी बहुत अच्छा, सर भी काफ़ी मेहनत सपोर्ट किए, अथी किए, तब जाकर इतना आगे जा पाए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, मैट्रिक का रिजल्ट 29 मार्च को जारी किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मैट्रिक का रिजल्ट जो है, पहले जो तारीख बताई जा रही थी वो 31 मार्च थी, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो 29 मार्च को जारी की जाएगी। आज से ही बिहार बोर्ड में टॉपर्स वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, सभी जिलों से टॉपर्स की कॉपियां जो है मंगवाई गई है, एक्सपर्ट्स इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, जहां 29 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। मैट्रिक का रिजल्ट आते ही सबसे पहले रिजल्ट देखने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है, इसका नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। उसके बाद से आपके सामने लिखा हुआ आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार से आएगा और लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड 10th मैट्रिक रिजल्ट 2022 चेक करें लाइव, आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से फटाफट तरीके से ओपन हो जाएगा, और यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि लाइव रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, इस पे आपको क्लिक एक बार और करना होगा। उसके बाद सीधे आपको नीचे चले जाना है, यहां पे ही आप सबसे पहले रिजल्ट अपना देख सकते हैं और पल पल की खबरें आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से अंतिम तक वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, प्लीज आपको बोल रहा है। उसके बाद से आपको यहां पे देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट चेक करने के लिए, यहां पे आपको लिंक देखने को मिलेगा, लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3, तो आपको लिंक 1 पे क्लिक करना होगा। अगर लिंक 1 काम नहीं करता है तो आपको लिंक 2 3 पे काम करना है, मतलब कि क्लिक करना है। तो सबसे पहले लिंक 1 पे हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इस तरीके से ओपन होगा, और यहां पे आपको रोल कोड रोल नंबर डालना होगा, और उसके बाद से कैप्चा डालना होगा, यानी कि जो यहां पे ये लिखा गया है इसको आपको जोड़ करके यहां पे डाल करके यहां पे सर्च करना है। और ये सारी प्रक्रिया हम आपको पहले ही बता देते हैं जिसके कारण आपको रिजल्ट चेक करने में किसी तरह की परेशानी ना हो और सबसे पहले आप रिजल्ट अपना देख सके, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट जारी होता है वैसे ही सभी बच्चे एक साथ रिजल्ट चेक करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण बिहार बोर्ड का वेबसाइट काम करना बंद कर देता है। इसलिए आपको सबसे पहले ही बता देते हैं कि आपको सही लिंक जो है कहां पर मिलेगा, और आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसा रिजल्ट आएगा सबसे पहले आप लोग यहां से चेक कर सकते हैं, और रिजल्ट आते ही हम आपके सामने YouTube पे लाइव होंगे, और आपसे चेक भी नहीं होगा तो हम चेक करके बताएंगे।